नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, सभी जिलों के डीएम को दिया गया ये निर्देश। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। इस बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रशासनिक कर्मियों को थोड़ी राहत मिली है। सरकार ने इस बार पुराने आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वार्ड से लेकर जिला परिषद तक आरक्षण नियमावली के अनुसार जो भी सीट आरक्षित है उसकी सूची 48 घंटे के अंदर पंचायत स्तर तक सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन करने में कोई परेशानी न हो। पंचायत चुनाव में इस बार रोस्टर नहीं बदलने वाला है, पहले की तरह ही पद आरक्षित रहेंगे, यानी कि जैसे पिछले चुनाव में हुआ था वैसे ही इस बार भी चुनाव कराया जाएगा। पहले की तरह आरक्षित पद के अनुसार पंचायत चुनाव में ही पिछड़े वर्ग के 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में इन जाति के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन पत्र रद्द होगा और गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। गौरतलब हो कि नीतीश कैबिनेट की ओर से राज्य में नए नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाए। 18 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन रुका, कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही का आरोप। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है, साथ ही साथ प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है। इसे लेकर सरकार और जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस वैश्विक महामारी को लेकर जारी आदेश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगूसराय के सभी 18 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बेगूसराय के सभी 18 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर सभी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने बताया कि कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित प्रतिवेदन 2 प्रपत्र में प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने अधूरा प्रतिवेदन भेजा, जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होने के कारण चिंता व्यक्त की गई। इसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए रिमाइंड भी किया गया, लेकिन किसी ने इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। पटना समेत कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, टीकाकरण के लिए आए लोग निराश लौटे। पटना समेत बिहार के कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कम पड़ गया है। कई जिलों में वैक्सीन है ही नहीं, वहीं पटना में भी स्टॉक कम पड़ने के कारण चुनिंदा लोगों को ही वैक्सीन दी गई। बिहार सरकार को वैक्सीन के नए खेप का इंतजार है। अगर भारत सरकार ने नई खेप नहीं पहुंची तो कल से स्थिति और खराब होगी। दरभंगा में वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण गुरुवार को वैक्सीनेशन का काम थम गया। जिला प्रशासन ने स्टॉक में कम वैक्सीन होने के कारण सिर्फ उन्हें वैक्सीन दिया जो दूसरा डोज लेने आए थे। पहला डोज लेने आए लोगों को दूसरे दिन आने को कहा गया। दानापुर के रेलवे अस्पताल में वैक्सीन पूरी तरह खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाया। हालांकि कुछ अस्पतालों में पहले से स्टॉक मौजूद था, लिहाजा यहां वैक्सीनेशन का काम चला, लेकिन पटना जिले के वैक्सीनेशन भंडार में स्टॉक लगभग खत्म होने पर है। स्टॉक कम पड़ जाने के कारण पटना में वैक्सीन लेने वालों का शेड्यूल बदल दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया को बताया कि वैक्सीन के स्टॉक में कमी होने के कारण पहली डोज लेने वालों की अपेक्षा दूसरी डोज लेने वालों को वरीयता दी जा रही है। जिला प्रशासन बैठक कर वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में फैसला ले रहा है। हालांकि रात तक वैक्सीन की नई खेप पहुंचने की उम्मीद है। मास्क नहीं लगाने पर थाने में नो एंट्री, पुलिस हेडक्वार्टर का सख्त निर्देश। बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक लोगों के आने पर रोक लगा दी है। वहीं सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में भी आगंतुकों के आगमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि बहुत जरूरी होने पर कोई व्यक्ति संबंधित अधिकारी से फोन पर समय लेकर मिल सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों और पुलिस कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी
जितेंद्र कुमार की माने तो जिस तरह से वर्ष 2020 में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और उस समय राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन को लेकर जो SOP तैयार किया गया था उसे फिर से फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्य करते हैं। पिछली बार भी पुलिसकर्मियों के कंधे पर कोरोना संक्रमण रोकथाम की बड़ी जिम्मेदारी थी। पुलिसकर्मी खुद के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखें। पुलिस लाइन और थानों को समय समय पर सैनिटाइज कराया जाना चाहिए। पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं को एक जगह बैठाकर उनकी शिकायत को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सुना जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता थाने में आने पर इधर उधर नहीं घूमे। थाने में आने वाले शिकायतकर्ता के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना सुनिश्चित करें। 2016 के पंचायत चुनाव में नहीं भेजा गया उम्मीदवारों के खर्च का ब्यौरा, निर्वाचन आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। राज्य निर्वाचन आयोग वैसे चुनाव पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है जिन्होंने 2016 के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च का ब्यौरा अब तक आयोग को नहीं भेजा है। इसे लेकर आयोग ने 5 वर्षों में 5 बार रिमाइंड भेजा लेकिन अब तक उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिल पाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वैसे प्रतिनिधियों के नामों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने 2016 के पंचायत चुनाव में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव पदाधिकारियों को नहीं सौंपा है, जबकि मई 2016 तक ही इसे आयोग को भेजा जाना था, जिसके आधार पर आयोग वैसे उम्मीदवारों पर कार्रवाई करती जिन्होंने तय सीमा में अधिक खर्च पंचायत चुनाव में किए। मई 2016 में भेजे गए पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च 2021 तक सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन भोजपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले से ब्यौरा नहीं भेजा गया। 2021 में अब फिर पंचायत चुनाव होने को है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी उम्मीदवारों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कोरोना प्रभावित मुंबई और पुणे से ट्रेनों के आने का सिलसिला होगा शुरू, बढ़ सकती है संक्रमितों की तादाद। बिहार राज्य के अंदर आगे आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। देश में कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। रेलवे की ओर से कोरोना वायरस के सबसे प्रभावित इन्फेक्शन जोन मुंबई और पुणे के अलावा अन्य शहरों में विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। मध्य रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेन बिहार समेत अलग अलग राज्यों से आएगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र समेत जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और गोवा से होकर आने वाली कुल 16 ट्रेनें दानापुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर टर्मिनेट होंगी, साथ ही साथ यहां से गुजरेंगी। दानापुर रेल मंडल में पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना जंक्शन दानापुर के अलावा अलग अलग स्टेशनों पर भी ट्रेनें टर्मिनेट होंगी, साथ ही साथ यहां से गुजरेंगी। प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का विरोध तेज, DM से स्कूल खोलने की मांग। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को बंद किए जाने के आदेश के बाद निजी विद्यालय के संचालकों ने विद्यालय खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। करीब 50 की संख्या में शिक्षण संस्थानों के संचालक जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां शिक्षण संस्थानों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने नालंदा हेरिटेज स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल RS नेहरा, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक अरविंद कुमार सिंह, स्वतंत्र शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैसलेंद्र कुमार उर्फ भारत मानस, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष रंजन, निजी शिक्षण संस्थान के सचिव महेश प्रसाद शामिल थे। दरअसल राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 अप्रैल तक सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। शिक्षण संस्थान के संचालकों ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल रखा है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि जब अन्य कार्य कोविड गाइडलाइंस के तहत चल रहे हैं तो ऐसे में विद्यालयों को बंद करना कहाँ तक उचित है। सावधान, बिहार में बढ़ा खतरा, हर 10 मिनट में 13 लोग हो रहे हैं पॉजिटिव, आज का आंकड़ा जानकर दंग रह जाएंगे आप। सावधान, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। इसकी फैलने की रफ्तार दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गुरुवार का आंकड़ा जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल देश भर में कहर बरपाने वाला कोरोना अब बिहार में भी अपना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक हर 10 मिनट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। राजधानी पटना का हाल सबसे बेहाल है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी यह आंकड़ा बूंद बूंद से भरे गागर और गागर से बने सागर वाला होते जा रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस इम्पोर्टेंट मीटिंग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और हेल्थ डिपार्टमेंट के अन्य सीनियर अफसर भी शामिल हुए। बिहार में नया कारनामा, पैदा होते ही 8वीं कक्षा पास कर गया बच्चा, मामला जानकर हैरान रह जाएंगे आप। बिहार में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाते हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्चा पैदा होने के 3 दिन बाद ही 8वीं कक्षा पास हो गया। जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई उसके माता पिता भी हैरान और परेशान हैं। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है जहां मीनापुर स्थित एक माध्यमिक विद्यालय से ऐसी घटना सामने आई है जो काफ़ी हैरान करने वाली है। दरअसल स्कूल ने 8वीं के एक छात्र को उसके जन्म तारीख के ठीक 3 दिन बाद ही 8वीं पास का TC दे दिया। जब ये मामला प्रकाश में आया तो सबके होश उड़ गए। बिहार में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी की होगी जाँच, 2 माह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश। कोसी नदी की जमाबंदी स्थानीय कुछ लोगों द्वारा अपने नाम से कराने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले के साथ साथ सरकारी जमीन की जमाबंदी के सारे मामले की जांच कराने के निर्णय भी लिया गया है। 2 माह के भीतर सभी मामले की जांच कराते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश बिहार के अंचलाधिकारी को दिया गया है ताकि जमाबंदी रद्द की जा सके। सरकारी जमीन की जमाबंदी नियमतः नहीं कराई जा सकती है, बावजूद इसके अगर कोई इसे फर्जी तरीके से करा लेता है तो उस पर किसी तरह का समाज में विरोध नहीं होता है, चूंकि इससे किसी की रैयती जमीन का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। इस वजह से ऐसे मामलों का खुलासा जांच के बाद ही संभव हो पाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।